गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट मैथ्स कैलेंडर। कैलेंडर आपने आपको पता ही होगा, कैलेंडर में हमें मंथ्स नेम गिवन होते हैं। अब आपको यहाँ पर हम रीड करते हैं। हम सबसे पहले वी मेजर लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम बाय वीक्स मंथ्स एंड ईयर्स। अभी हमने यहाँ पर क्लॉक आपने देखी थी, उसमें हमें मिनट्स और आवर्स के बारे में पता था। अब हम जब टाइमिंग को हमें लॉन्ग पता करना होता है तो हमारे होते हैं वीक्स सप्ताह, मंथ्स महीने और ईयर पूरा साल। अब आपको यहाँ पर वीक सप्ताह में कितने दिन होते हैं इसके बारे में बताया गया है, हाउ मेनी डेज इन अ वीक। तो देयर आर 7 days इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। द नेम ऑफ द डेज आर, अब आपको महीने जो सप्ताह के दिनों के जो नाम है वो है मंडे, सोमवार, ट्यूजडे, मंगलवार, वेनसडे, बुधवार, थर्सडे, गुरुवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार एंड संडे, रविवार। आपको यहाँ पर 7 days 7 दिनों के नाम दिए हुए हैं। अब ये आपका मंथ, मंथ होते हैं महीने, महीनों के नाम, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, साल में कितने महीने होते हैं। देयर आर 12 months इन अ ईयर, है ना, पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। द मंथ्स आर जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यहाँ पर आपको ये 12 months के नेम गिवन है। अब आपको आफ्टर दिसंबर, जब दिसंबर जो हमारा लास्ट मंथ रहता है तो उसके बाद क्या होता है, कम्स द नेक्स्ट ईयर। तो हमारा नया अगला साल जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा न्यू ईयर, है ना, नेक्स्ट ईयर वो अगला साल होता है। अब आपको गिवन है देयर आर 365 days इन अ नॉर्मल ईयर, जो हमारे सामान्य जो साल होता है उसमें हमें हमारे जो दिन होते हैं पूरे साल के वो होते हैं 365। और आपको लीप ईयर हैज 360 days, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 days होते हैं। लीप ईयर क्या होता है, देयर आर 29 days इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन द लीप ईयर, जिस वर्ष फेब्रुअरी में 29 days, फरवरी महीने में 29 दिनों की 29 days की फेब्रुअरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर, है ना, वो लीप ईयर होता है। अब आपको यहाँ पर 2014 का कैलेंडर गिवन है। ओके बच्चों, अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.3। आपको आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट पर आपको गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, नंबर ए है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स कम्स बिफोर वेनसडे, वेनसडे से पहले क्या आता है, ट्यूजडे, है ना। आपका बी है द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा होता है, संडे। नंबर सी, टुडे इज संडे, यदि आज क्या है, रविवार है, संडे है, तो देन टुमारो इट विल बी, तो आने वाला दिन कौन सा होगा, संडे के बाद क्या आता है, मंडे, तो हमारा जो टुमारो इट विल बी मंडे, कल सोमवार होगा। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, साल का सबसे आखिरी महीना कौन सा होता है, दिसंबर, सभी को पता होगा ये वाला, तो आपको मंथ नेम आते हैं। ई है आपका मंथ बिफोर जून इज, जून से पहले, है ना, बिफोर मीन्स पहले, जून से पहले कौन सा मंथ आता है, आपका है मई, मई आता है। नंबर एफ है आपका हाउ मेनी संडेज आर देयर इन मई 2014, आपको 2014 में कितने संडे दिए हुए हैं, तो आपने यह कैलेंडर देखा था होगा, तो उसमें थे आपके 4 Sundays। जी, 6th month ऑफ द ईयर इज, अब आपको महीनों के जो नाम है, नेम्स है, उनमें जनवरी से लेकर जून तक आपको काउंट करना है फिंगर पर कितने महीने, यहाँ पर 6th month कौन सा होगा, तो वो होगा जून, तो वो रहेगा जून। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक अप टू मिनट, यहाँ पर आपको मिनट्स भी बताना है, ये आपको
अवर्स वाली नीडल है और ये मिनट्स वाली और ये सेकेंड्स वाली। अब आपको यहाँ पर टाइम गिवन है, यहाँ पर जो छोटी वाली जो नीडल है वो किस पर है, 8 पर, और जब बड़ी नीडल 12 पर होती है तो पूरा टाइम रहता है, मतलब 8 o'clock। अब यहाँ पर आपको गिवन है 9 और 10, दोनों के बिटवीन मतलब बीच में गिवन है शॉर्ट हैंड, छोटी वाली नीडल जो है वो 9 और 10 के बीच में है, और 6 पर कौन सी है, बड़ी वाली नीडल और ये सेकेंड्स वाली। तो अब आपको यहाँ पर 5 का टेबल 6 तक बोलना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बड़ी नीडल पर कितना टाइम होगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो 30 मिनट्स हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 9:30। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 30 मिनट पास्ट 9, है ना। और आपको अब नेक्स्ट गिवन है 2 और 3 के बीच में है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2:25, यहाँ पर 5 5 25, तो 2 यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, शॉर्ट हैंड किस पर है, 2 पर है, और 2 और 3 के बीच में है, और 5 पर है बड़ी नीडल, तो यहाँ पर हो रहा है 2:25। अब आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 8 बजने वाले हैं, है ना, 8 o'clock होने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर छोटा बड़ा जो नीडल है वो अभी 10 पर है, मतलब अभी हमें टाइम बाकी है। तो अब हमें क्या, इसको कैसे टाइम मेंशन करेंगे, हम यहाँ पर 5 का टेबल आपको 10 तक का बोलना है, 5 5 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, मतलब 7:50 अभी आपके हो रहे हैं, 10 मिनट्स अभी लेफ्ट बाकी हैं। अब आपका नेक्स्ट है शॉर्ट हैंड किस पर है, छोटी वाली नीडल जो है वो 9 पर है, और बड़ी वाली जो नीडल है वो 12 पर है, मतलब कंप्लीट टाइम हो रहा है 9 o'clock। तो ये हो गया आपका 9 o'clock। अब आपका नेक्स्ट गिवन है 6 पर है छोटी नीडल और बड़ी वाली है 4 पर, तो आपको यहाँ पर 5 5 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 6:20 यहाँ पर हो रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपको ये वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके।